Yeah, okay okay yes first of all write down date 2525 november comma 2020 today is what is the day today today is wednesday w-e-d-n-e-s-d-a-y roses you have beautiful roses -E t-h-e-y-d -E h-a-v-e have b-a-t-s bats -N -N. h e i r in t-h-e-i-r there h-a-n-d-s hands

हैव इज यूज फॉर मोर देन वन पर्सन प्लेस प्लेस और ऑब्जेक्ट बट हैव इज ऑल्सो यूज विद आई एंड यू ठीक है आपने याद रखना हैव का जो यूज है आय और यू के साथ होगा आय एंड यू इज ऑल्सो सिंगल पर्सन बट हैव का यूज हमने जहां पे भी मोर देन वन पर्सन प्लेस और ऑब्जेक्ट जहां पर भी एक से ज्यादा चीजें होंगी वहां पे हमने हैव यूज करना है लेकिन आई और यू के साथ भी हमने क्या करना है हैव का यूज करना है आई हैव हैव यू ब्यूटीफुल कार यू हैव ब्यूटीफुल रोजिस आई हैव मैनी स्टोरी बुक्स ठीक है तो आई वी यू दे के साथ क्या लगेगा हैव यस नेक्स्ट रीड करते हैं एच ई ही एच ए एस हैज अ P E T pet D O Z dog. He has a pet dog. S H E SHE H A S has C U R L Y curly H A I A here. She has curly hair. V I C K Y Vicky H A S has a N E W new B I <coughs> C-Y-C-L-E, bicycle. Vicky has a new bicycle. T -H -E T-H-E, the, M-O-N-K-Y, monkey. H-A-S has a long tail. The monkey has a long tail. T -H -I -S T-H-I-S, this, S-T-O-L-O-L, stool. H -A -S H-A-S has T-H-R-W-E, three, L-E-G-S, legs. Again, this stool has three legs. Yes, has is used.

बाकी जो बाकी वन पर्सन होंगे उसके साथ हमने क्या करना है हैज का यूज करना है ओके हैज एंड हैव यस फिल इन द ब्लैंक्स विद हैज और हैव एफ आई डबल एल फिल इन टी एच ई द बी एल ए एन के ब्लैंक्स विद हैज और हैव हमने क्या करना है फिल अप करना है विद हैज और हैव के साथ या तो हमने हैज फिल करना है या फिर हैव फिल करना है यस फर्स्ट इज एस सी डबल डैश टू व्ही चेक करोगे यहाँ पर ओके okay? अस्कूटर अब स्कूटर इज अ वन ऑब्जेक्ट ना स्कूटर सिंगल है ना तो क्या करना है हमने जो सिंगल है जो वन है वो जो वन थिंग है वन ऑब्जेक्ट है वन पर्सन है या प्लेस है तो हमने क्या लगाना है वहां पे

टीचर्स डैश रजिस्टर्स इन देअर है पहले आपने चेक करने हैं टीचर इज पलुर सिंगल नहीं है पलुरल है बहुवचन है मोर देन वन है तो हमने क्या यूज करना है मोर देन जब मैंने बोला था हैव इज यूज फॉर मोर देन वन ठीक है एंड हैज इज यूज फॉर वन पर्सन ये वन थिंग जो भी है तो जो टीचर्स है वो मोर देन वन है तो हम यहाँ क्या लगाएंगे हैव लगाएंगे एच ए वीई हैव अब यहाँ क्या आई डैश टू वाइट बोस आई के साथ ऑलवेज यूज करना है हमने है जो मोर देन वन होंगे जो more, एक टू व्हाइट बोल आई हैव टू व्हाइट बोस

बट हैव इज यूज फॉर मोर देन वन पर्सन प्लेस और ऑब्जेक्ट बट हैव इज ऑल्सो यूज यू ध्यान रखना है जो एक चीज है तो हैज लगेगा लेकिन आई और यू के साथ हैज नहीं लगेगा चाहे वो एक है आई मीन्स मैं यू मीन्स तू उनके साथ सिर्फ आपने हैव लगाना है और हैव जो होता है वो मोर देन वन पर्सन प्लेस और ऑब्जेक्ट के साथ लगेगा यस कम टू द नेक्स्ट पेज

क्लॉक यस नेक्स्ट एट थी टी एच ई दी ए एम ई एल कैमल डैश अग हम दैमल हैजिग हम ठीक है तो कैमल कैमल इज अनिमल कैमल इज अ वन एनिमल ना तो वन है तो कैमल के लिए हम क्या लगाएंगे वन के लिए एच ए एस हैज यूज हैज दैमल हैज अग हम यस नेक्स्ट नाइन थीज ओ एन एल वाई ओनली

टी एच आई एस दिस सी एल ओ सी के क्लॉक दिस क्लॉक डैश टू ओके तो वन क्लॉक मीन्स सिंगुलर फॉर्म तो हमने वन है तो वन ऑब्जेक्ट है दिस इज अ वन ऑब्जेक्ट तो नाउ वी विल यूज हैज ओके दिस क्लॉक हैज टू हैंड्स आपने फिलअप से पहले यहाँ पे देखना है जो क्लॉक है वो क्या है वन है तो हमने वन के लिए क्या यूज करना है हैज और मोर देन वन के लिए हैव यूज करना है ठीक है अभी आप कुछ लर्न कर सकते हो आई के साथ वी के साथ यू के साथ दे ठीक है हैव इज यूज विद आई वी यू दे ठीक है हैव इज यूज विद आई वी यू दे एंड हैज इज यूज विद इट ही के साथ शी इट ठीक है इनके साथ क्या लगाना है हैज लगाना है यस नेक्स्ट सी पार्ट इज एफ आई डबल एल फिल इन टी एच ई द बी एल एन के ब्लैंक्स विद हैज और हैव आपने क्या करना है फिलअप करना है विद हैज और हैव के साथ यस फर्स्ट इज पी डबल और जे ए पूजा ए एन डी एन आर यू सी एच आई रुचि आर फ्रेंड्स ठीक है पूजा और रुचि क्या है बोथ हर फ्रेंड्स पूजा पूजा डैश थ्री टॉफीज अब पूजा क्या है पूजा नेम ऑफ अ पर्सन नेम है ना पूजा का नेम है ना तो पूजा इज वन पर्सन ठीक है तो वन पर्सन के लिए क्या लगाएंगे? हैज़। तो पूजा हैज थ्री टॉफीज नेक्स्ट इज रुचि रुचि डैश टू टॉफीज रुचि इज ऑल्सो वन पर्सन रुचि भी अकेली है अकेले सिंगुलर है तो क्या लगाएंगे हम हैज लगाएंगे रुचि टू टॉफीज नेक्स्ट टुगेदर अब यहाँ है टुगेदर दे मोर देन वन दे टुगेदर एक साथ वे डैश फाइव टू ऑफिस दे लगा हुआ है बेटा मोर देन वन तो यहाँ पे हमने क्या लगाना है हैव लगाना है ठीक है यस कम टू द नेक्स्ट पेज यस सेकेंड इज एम ओ एन ए मोना डैश अ पैरेट अब मोना नेम ऑफ द गर्ल ठीक है मोना क्या है गर्ल का नेम है एंड मोना इज अ सिंगुलर मोना क्या है अकेली है ना दो तो नहीं है ना मोना मोना सिंगल है ना एक लड़की का नाम है तो सिंगल के साथ हम क्या लगेंगे सिंगुलर फॉर्म के साथ एच ए एस हैज मोना हैजरेट यस नेक्स्ट इज टी एच ई दी ए डबल आर ओ टी पोस्ट ऑफ एस दैरट नेम इज लॉरी जो पैरट का नेम है वो क्या है लॉरी है लॉरी डैश अ ग्रीन बॉडी एंड अ रेड बी अब लॉरी क्या है नेम ऑफ दैरेट नेम तो लॉरी सिंगुलर है एक है तो हम इसके साथ भी क्या लगाएंगेज लगाएंगे जो वन है वन प्लेस है वन पर्सन है एनिमल है ऑब्जेक्ट है वी विल यूज हैज एंड मोर देन है ठीक है तो मोना एंड लॉरी अब ये क्या हो गए दोनों हो गए मोर देन वन हो गए ना मोना भी बोल रहे हैं और लोरी भी मोना एंड लोरी डैश ग्रेट फंड टूगेदर तो यहाँ क्या फील करना है हमने हैव फील करना है एच ए ई हैव ठीक है यस कम टू द नेक्स्ट थर्ड पार्ट डब्ल्यू काउ डैश फोर काऊ अ अकाऊ क्या है सिंगल है ना काउ गाय सिंगल है दो काउ तो नहीं है ना वन गाय है ना तो वन के साथ क्या लगाना है हमने हैज लगाना है अकाउ एच एस फोर फिल अप से पहले आप चेक करोगे यहाँ पे सिंगुलर दिया हुआ है या पल दिया हुआ यस नेक्स्ट इज गोट ऑल्सो डैश फोर लेग्स अ गोट मतलब आ जो बकरी है क्या आएगा यहाँ पे गोट सिंगल है तो यहाँ पे क्या लगेगा हैज लगेगा ठीक है ऑल एनिमल्स ऑल एनिमल्स में क्या आ गए सारे एनिमल्स आ गए तो मोर देन वन हो गए एक से ज्यादा हो गए तो यहाँ पे क्या फूल करना है हमने वीई -E, है लेग्स नेक्स्ट है इंसेक्ट इंसेक्ट्स ऐसा लगा हुआ है तो ये इंसेक्ट इज अ पलुरल फॉर्म तो दिस इज अ पलुरल फॉर्म मतलब सिंगल बोलते हैं ना चाइल्ड चिल्ड्रन ठीक है तो इंसेक्ट इंसेक्ट्स तो यहाँ पे मोर देन वन है इंसेक्ट तो यहाँ आएगा है इंसेक्ट bird, है तो बर्ड्स मोर देन वन तो यहाँ पे भी क्या आएगा द बट बर्ड्स हैव ओनली टू लेग्स तो बर्ड्स यहाँ पे दिया हुआ है बर्ड्स बहुत ज्यादा है तो यहाँ पे भी हमने क्या करना है हैव यूज करना है अ हैन इज अ बर्ड अ हैन इज अ बर्ड इट डैश टू लेट डैश टू लेल है ठीक है इट के साथ क्या लगेगा एच एस लगेगा. है इट हैजू ले दो टांगे हैं इज दट क्लियर नाउ हैज इज यूज फॉर वन पर्सन प्लेस एनिमल या फिर ऑब्जेक्ट ठीक है मोर देन वन पर्सन प्लेस और ऑब्जेक्ट बस एक बात याद रखनी है कि जो हैज है यूज हैज इज नॉट यूज विद आई और यू मैंने ये बोला ना एक पर्सन के साथ आपने हैज लगाना है लेकिन आई भी सिंगल है यू भी सिंगल है आई मीन मैं तो यू तुम तो यू आई और यू के साथ हैज नहीं लगाना है और बाकी क्या करना उसके साथ हैव लगेगा बाकी जितने भी वन पर्सन एनिमल प्लेस और ऑब्जेक्ट है उनके साथ आपने हैज लगाना है और मोर देन मोर देन वन पर्सन प्लेस और ऑब्जेक्ट तो आपने हैव यूज करना है ठीक है द मीनिंग ऑफ हैज एंड है दोनों का मीनिंग क्या है सेम है इज दैट क्लियर